तो दोस्तों यहाँ पर टेक्नो की तरफ से जो टेक्नो पोबा 5 है वो तो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। इसका डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, प्राइस सब कुछ निकल के आ चुका है और उसके साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा टेक्नो पोबा न्यू 3 जिसका भी स्पेसिफिकेशन सब कुछ निकल के आ चुका है। तो आज की इस वीडियो पर बात करेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर मतलब टेक्नो पोबा न्यू 3 के अंदर क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, किस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च होगा और कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो पहले अगर स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्नो पोबा न्यू 3 का डिज़ाइन आपको बिल्कुल सेम टेक्नो पोबा 5 की तरह देखने के लिए मिलेगा। पीछे आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा और टोटली प्लास्टिक बिल्ड पर देखने के लिए मिलेगा। और अगर वेट एंड थिकनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 201 ग्राम का वेट और 9.3 mm की थिकनेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर फोन थोड़ा सा भारी और थोड़ा सा मोटा है, क्यों भारी और मोटा है आपको आगे पता चल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है आपको दो कलर ऑप्शन पर देखने के लिए मिलेगा, गोल्ड और ब्लैक। और अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.82 इंच का एक HD+ LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही में यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन अगर फुल HD+ होता तो थोड़ा सा और बेहतर होता। कैमरे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लीक्स के मुताबिक यहाँ पर पीछे आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको 16 MP का मेन सेंसर देखने के लिए मिलेगा और 2 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा और सेल्फी कैमरा आपको 8 MP का देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर रियर कैमरा 15 MP का होता है तो बेटर होने वाला है, लेकिन अभी जो स्पेसिफिकेशन निकल गया है इस स्पेसिफिकेशन की सब सबको कैमरा ठीक ही देखने के लिए मिल जाता है। और अगर UI की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको Android 13 देखने के लिए मिलेगा, साथ ही में iOS देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी सारे को अनइंस्टॉल कर पाएंगे और काफ़ी सारे को नहीं भी कर पाएंगे और फीचर्स काफ़ी देखने के लिए मिल जाता है UI के अंदर। तो ओवरऑल UI का एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसकी बैटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर मतलब इस फोन का मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है, इसके अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगा, साथ ही में 18W का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। चार्जर थोड़ा सा और फास्ट होता तो बेहतर होता, क्योंकि बैटरी काफ़ी बड़ी है, फ़ोन को चार्ज करने में इस 18W के चार्जर को काफ़ी समय लगने वाला है, तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पुराना चिपसेट ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन चिपसेट आपको अच्छा ही देखने के लिए मिल जाता है, मीडियाटेक हीलियो G85 और इसके अंदर LPDDR4X रैम का सपोर्ट और EMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस जिस प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च होगा उसके हिसाब से परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो नॉर्मल सेटिंग पर आप गेम्स खेल पाएंगे। और अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन 4G देखने के लिए मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, कंपास, सब कुछ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में कुछ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक और सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसकी वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और उसके साथ ही 8GB का रैम और 128GB का स्टोरेज। आप दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है, अगर इसका हायर वेरिएंट का प्राइस 13,000 के आसपास होता है तो अच्छा ऑप्शन होने वाला है, लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा अच्छा डिवाइस आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर इस स्मार्टफोन का प्राइस 11,000 से 13,000 के बीच में रहता है तो ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको इसी महीने के अंदर मतलब जुलाई महीने के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, शायद जुलाई महीने के एंड में या फिर मिड में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।